दोस्तों, आज हम जिस शानदार स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है इंडिया री डेवलपमेंट लिमिटेड। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इंडिया री डेवलपमेंट इस स्टॉक का एनालिसिस करूं, तो ये वीडियो समर्पित है ऐसे ही प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 9 रुपीज़ 20 पैसे पे। मैं आप लोगों के लिए चलता हूँ चार्ट पर और वहाँ पे हम देखेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -56.19%, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -5.54%, 1 ईयर में रिटर्न दिया है 150%, ईयर टू डेट रिटर्न दिया है 0.22%, 6 मंथ में रिटर्न दिया है -13.21%, 1 मंथ में रिटर्न दिया है 6.24%, 5 डेज में रिटर्न दिया है 7.23% एंड 1 डे में रिटर्न दिया है 4.78%। तो भी मांगे स्किनर वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम और डिटेल एनालिसिस करेंगे इंडिया री डेवलपमेंट लिमिटेड का। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। इंडिया री डेवलपमेंट लिमिटेड इज दैट ऑफ ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये जो कंपनी है बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। एक बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है। ये जो कंपनी है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज प्ले ए क्रूशियल रोल इन ब्रॉडनिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो कंपनियां होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को ब्रॉडनिंग एक्सेस करने में, इनहांसिंग कंपटीशन बढ़ाने में, इन्हांस करने में, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, और फाइनेंशियल सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन करती हैं। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इसकी वेबसाइट पर। दोस्तों, हम आ गए हैं वेबसाइट पे इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके जो एमडी हैं श्री वेद प्रकाश गुप्ता, ये इसके एमडी थे, और यहाँ पे कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है वेबसाइट पे। वेबसाइट पर आने का मकसद एक ही है कि कंपनी की वेबसाइट है, वेबसाइट पे आके आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में, डिटेल चेक कर सकते हैं। मैं डीप में जाऊँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। मैं आप लोगों को चलता हूँ स्किनर वेबसाइट पर। तो सर, एक बार वापस आ गए हैं स्किनर वेबसाइट पर। इसकी जो मार्केट कैप है वो है 12.4 करोड़ की है। इसकी जो करंट प्राइस है 8 रुपीज़ 42 पैसे की है। इसकी जो 52 वीक हाई है 13 रुपीज़ 40 पैसे का, 52 वीक जो लो है 3 रुपीज़ 52 पैसे का। स्टॉक की जो पी है 310 रुपीज़ की है। इसकी जो बुक वैल्यू है 7 रुपीज़ 20 पैसे की है। इसकी जो डिविडेंड यील्ड 0 की है। इसकी जो ROC है -0.20% की है। इसकी जो ROE है -0.20% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की है। दूसरे चार्ट है इंडिया री डेवलपमेंट लिमिटेड का। हिसाब लोग देख पा रहे, स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया हुआ पिछले एक सालों में। क्रॉस चेक करते हैं कंपनी की। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये लगभग कर्जमुक्त कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.17 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक जो ट्रेड हो रहा है 1.17 टाइम्स की बुक वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। क्रॉस चेक करते हैं, द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -3.83% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है -3.83% की। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.27% फॉर लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों में कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड किया है 3.27% का। कंपनी हैज़ हाई डिबेटर्स ऑफ 151.62 डेज। कंपनी का जो डिबेटर्स वो हाई है 151.62 डेज का है। ये कंपनी जब चेक करते हैं, जो कंपनी काम करती है बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है,
इसकी जो इंडस्ट्री है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की है। इस सेक्टर में जो नंबर वन कंपनी है बजाज फाइनेंस है, देखो बजाज फिनसर, उसके बाद SBI कार्ड्स है, देन HDFC AMC है, उसके फिफ्थ पे मुथूट फाइनेंस है, देन बजाज होल्डिंग्स है, और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है, और नंबर एट पे है इंडिया लीज डेवलपमेंट। हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। सितंबर 2018 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था -0.09 करोड़, 2021 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 0.08 करोड़। सितंबर 2018 में जो कंपनी का प्रॉफिट फॉर टैक्स था वो था -0.09 करोड़, और जून 2021 में जो प्रॉफिट फॉर टैक्स है वो है 0.08 करोड़। सितंबर 2018 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था -0.09 करोड़, और जून 2021 में जो नेट प्रॉफिट है वो है 0.08 करोड़। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड का। मार्च 2010 में जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था -0.80 करोड़, और मार्च 2021 जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है -0.07 करोड़। मार्च 2010 में जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 0.03 करोड़, और मार्च 2021 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो है -0.02 करोड़। मार्च 2010 में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो था 0.03 करोड़, और मार्च 2021 में जो नेट प्रॉफिट है वो है -0.02 करोड़। और डिटेल चेक करते हैं कंपनी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में -1%, 5 ईयर्स में -4%, 3 ईयर्स में -8%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में है 7%, स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में -1%, 5 ईयर्स में -4%, 3 ईयर्स में 2%, एंड 1 ईयर में 140%। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स में 2%, 3 ईयर्स में 3%। हम बैलेंस शीट चेक करते हैं इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड की। मार्च 2010 में जो इसकी टोटल एसेट थी वो थी 17.63 करोड़, और मार्च 2021 में जो टोटल एसेट्स है वो 13.68 करोड़। कैश फ्लो चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो नेट कैश फ्लो था वो -0.19 करोड़ का था, और मार्च 2021 में जो नेट कैश फ्लो है वो है 7.72 करोड़ का है। ऐसे आप लोग देख पा रहे हैं नेट कैश फ्लो कंपनी का बढ़ा हुआ है। रेशियो चेक करते हैं। मार्च 2011 में कंपनी का जो ROC था वो था -59.57%, और मार्च 2021 में जो ROC है वो है -0.20%। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड का। सितंबर 2018 में प्रमोटर के पास जो शेयर थे 69.10% शेयर थे, और जून 2021 में प्रमोटर के पास जो शेयर है 69.61% शेयर है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई हुई है। प्रमोटर्स के पास पहले 69.10% शेयर थे, और अभी प्रमोटर्स के पास 69.61% शेयर है। जैसे देख पा रहे स्टॉक में जो मेजर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास ही है। किसी भी स्टॉक में प्रमोटर्स ज़्यादा स्टेक क्यों रखते हैं, जब किसी भी स्टॉक में ऐसा उनको लगता है कि हाँ वो कंपनी की जो फ्यूचर है, जो ग्रोथ है, आगे अच्छा करेगी कंपनी, उसमें प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई भी हुई है। जब वो कंपनी की ग्रोथ के प्रति, कंपनी के विकास के प्रति वो सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तभी किसी भी स्टॉक में अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है, प्रमोटर के पास बहुत ही ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। 69.61% शेयर प्रमोटर के पास है। सितंबर 2018 में DI के पास जो शेयर थे 5.05% शेयर थे, और जून 2021 में DI के पास जो शेयर है 5.05% शेयर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टॉक में DI ने पूरा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, 5.05% शेयर DI के पास है। DI की शेयर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, पहले जितने शेयर थे उतने शेयर अभी भी हैं। सितंबर 2018 में पब्लिक के पास जो शेयर थे 25.85% शेयर थे, और जून 2021 में पब्लिक के पास जो शेयर है 25.34% शेयर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टॉक में प्रमोटर्स, DI एंड पब्लिक सभी ने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। DI भी स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है, FIDI किसी भी स्टॉक में तभी इन्वेस्टमेंट कर जब उन्हें लगता है कंपनी की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव है, कंपनी भविष्य में अच्छा करे, तभी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रखी है, स्टॉक में ज़्यादातर जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास है। तो दोस्तों ये हमने डिटेल एनालिसिस किया इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड का।
दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।